गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं सांख्य दर्शन की चर्चा को लेकर। पिछले दो दिन से लगातार हम सांख्य दर्शन पर बात कर रहे हैं। कुछ स्पष्टीकरण यहाँ पर मैं कर देना चाहता हूँ, और वो यह है कि सांख्य दर्शन फिलॉसफी का एक विषय है जो MDS यूनिवर्सिटी के BA पार्ट थर्ड ईयर के फिलॉसफी विद्यार्थियों के यहाँ एक विषय के रूप में चलता है। और पिछले दो वीडियो के आधार पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की जब हम इसको फिलॉसफी स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो उनके शिकायत है कि ये पेपर तो हो चुका तो इस वीडियो को क्यों अपलोड किया जा रहा है, तो मैं दो बातें यहाँ पर इस संदर्भ में करना चाहूँगा। ध्यान से सुने, पहली बात कि ये जो वीडियो अभी अपलोड हो रहे हैं आयुक्तालय के निर्देशानुसार, ये इस सत्र के नए विद्यार्थियों के लिए है, ना कि पुराने सत्र के विद्यार्थियों के लिए। तो चूंकि जुलाई से सत्र प्रारंभ हो जाता है, BA पार्ट थर्ड ईयर में एडमिशन की प्रक्रिया भी चालू है, हो चुकी है, फीस जमा हो चुकी है, तो ये मानते हुए कि जो बच्चे इस वर्ष BA थर्ड ईयर में आए हैं उनके लिए पेपर अनिवार्य है, तो एक तो ये बात हुई यहाँ पर। दूसरी बात, जो पुराने विद्यार्थी हैं जो BA पार्ट थर्ड ईयर में हैं और जिनके कुछ पेपर अभी बाकी हैं, मैं उनसे फिर यह आग्रह करना चाहूंगा कि हम उनका ध्यान रखेंगे और अगले कुछ ही दिनों में हम जल्दी ही, यानी एक और वीडियो एक्स्ट्रा अतिरिक्त, प्रत्येक दिन एक की बजाय दो वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं, उनके उन विषयों को हम यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल अपने पिछले दो दिनों वाली बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि सांख्य दर्शन, जिस पर हम पिछले दो दिन से लगातार बात करते आ रहे हैं, मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सांख्य दर्शन में अब तक हमने एक तो ये जानने का प्रयास किया कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, सांख्य दर्शन के जानने के स्रोत क्या है, अर्थात उन प्रणेताओं ने कौन सी रचनाएं लिखी, जिसमें अपन बात कर रहे थे महर्षि कपिल की, जिन्होंने सांख्य सूत्र और तत्व समास नामक दो प्रमुख रचनाएं लिखी। लेकिन वर्तमान में जो सांख्य दर्शन हम पढ़ते हैं वो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित एक पुस्तक है सांख्य कारिका, उसके आधार पर हम यहाँ पर सारी चर्चा करते हैं। और सांख्य कारिका के ऊपर और बहुत सारी रचनाएं वाचस्पति मिश्र, विज्ञान भिक्षु आदि ने लिखी है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में सजेस्टेड हम करते हैं वो है सांख्य तत्व कौमुदी रामशंकर भट्टाचार्य। तो ये तो मैंने एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाया कि सांख्य दर्शन को पढ़ते वक्त हमें कौन से संदर्भों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने जो जो बात अब तक की है उनमें मैं फिर से एक बार स्मृति में आपके मानस पटल पे दोबारा उसको दोहरा दूं, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा हम नहीं खींच सकते, अपलोड करने में दिक्कत आती है, एक टॉपिक पूरा हमारा 15-20 मिनट में हो जाए ऐसा हमारा प्रयास होता है। ओके, चलिए। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल थे, मैंने बताया दो रचनाएं उनकी थी, फिर इस सांख्य दर्शन की इस परंपरा को आगे बढ़ाया ईश्वर कृष्ण ने। प्रश्न है सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा, तो हमने बताया था सांख्य दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ख्या, जिसका अर्थ होता है सम्य ज्ञान, विवेक ज्ञान। सांख्य का प्रयोजन क्या है, तो हमने बात की थी सांख्य का प्रयोजन है मोक्ष अपवर्ग, जिसका अर्थ बताया था प्रकृति और पुरुष के बीच भेद का ज्ञान। यहाँ प्रकृति शब्द जो है वो शरीर के लिए जड़ तत्व के लिए आया है, और पुरुष शब्द जो है वो आत्मा के लिए आया, चेतन तत्व के लिए आया है। फिलॉसफी पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को ये जानना जरूरी है कि ये जो दो तत्व हैं इनके भेद से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, भेद ज्ञान से। और इनके भेद ज्ञान में जो गड़बड़ हम घोटाला करते हैं, अर्थात जिसको हम अविद्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो हमारे बंधन का और दुखों का कारण होता है। तो सभी भारतीय दार्शनिकों के साथ साथ सांख्य ने भी ये बात मानी कि मनुष्य दुखी है, प्राणी दुखी है, और दुखों से छुटकारा दिलाना ही सांख्य दर्शन का या अन्य दर्शनों का लक्ष्य है। सांख्य दर्शन ने अपनी बात को बहुत अधिक स्पष्टता से ये बात समझाने का प्रयास किया कि तीन प्रकार के दुख हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, तीन प्रकार के दुखों के नाम कल अपन ने बात की थी, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। मैं ध्यान देना रहा हूं, मैंने कल भी चर्चा की थी, आज मैं फिर उसी बात को यहां पर रख रहा हूं कि ये तीन प्रकार के दुख नहीं है, बल्कि दुखों के तीन प्रकार के कारण है। समझ में आया बात, दुखों के तीन प्रकार के कारण है जिनसे अनेकानेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। सांख्य दर्शन में आध्यात्मिक दुख से क्या अर्थ बताया था, जितने भी प्रकार के तमाम शारीरिक और मानसिक दुख होते हैं उनको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और जो भौतिक वस्तुओं से ये शरीर के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं, शरीर में जो वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ता है तब ये दुख उत्पन्न होते हैं, या फिर मनोवांछित चीजों की प्राप्ति नहीं होती तब ये दुख प्राप्त होते हैं। दूसरे जो थे आधिभौतिक दुख, जिसमें हमने बात की थी कि अन्य बाह्य भौतिक वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से मतलब कांटा चुभना, शेर का दहाड़ना, इससे भी तो डर लगता है, हमें भयभीत होते हैं हम,
कुत्ते का काटना और अन्य इसी प्रकार से चलते रास्ते, जैसे मान लो शीशा चुभ जाए, कोई दरवाजे की टक्कर लग जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, या कोई और कोई दुर्घटना इस तरह की छोटी मोटी बाह्य भौतिक वस्तु से हो जाए, जो कोई बड़ी आपदा नहीं है, इसको हम यहाँ पर आध्यात्मिक आधिभौतिक दुखों की श्रेणी में रखते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने बात की थी आधिदैविक दुख, जिसमें हमने कहा था कि वे सारे दुख जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आते हैं, जिनका कारण हमें सहजता से पता नहीं होता, जिसमें भूकंप, बाढ़, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि सब इसमें शामिल है। तो इन तीन प्रकार के दुखों से सांख्य कहता है आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति। ध्यान दीजिए, आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति, आत्यंतिक यानी हमेशा के लिए और एकांतिक माने निश्चित रूप से, अर्थात जो दुख हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से मिटेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकी, तभी हम कह सकते हैं त्रिविध दुखों से हमें छुटकारा मिला। तो इसी बात को हम आज आगे फिर से बढ़ाते हैं। यहां पर छात्रों ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो सांख्य दार्शनिक दर्शन के आलोचक हैं, उन्होंने बात कही कि सांख्य जो ज्ञान मार्ग देता है, ज्ञान मार्ग में क्या है, अपन कल से बात करते चले आ रहे हैं लगातार, कि प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान, आत्मा और शरीर के बीच भेद का ज्ञान, आत्म तत्व नित्य है, शरीर अनित्य है, आत्मा वास्तविक कर्ता भोक्ता नहीं है, शरीर कर्ता और भोक्ता है, लेकिन हम आत्मा को ये मान लेते हैं कि वह कर्ता और भोक्ता है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, वो चेतन शुद्ध साक्षी, शुद्ध दृष्टा, उदासीन, मध्यस्थ आदि आदि कई सारे शब्दों के द्वारा सांख्य दर्शन ने उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और मूल स्वरूप में आत्मा मुक्त ही है, ध्यान दीजिए मुक्त है, अखंड आनंद की अवस्था में है, लेकिन अविद्या से आवृत होने के कारण वो शरीर के बंधन में जकड़ के शरीर के दुखों को भोगने के लिए अभिशप्त है, मजबूर है, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। तो यदि ज्ञान हो जाए तो होगा क्या, इसे ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान से कैसे मोक्ष मिलेगा, ज्ञान से मोक्ष ये मिलेगा कि हमारा जो शरीर के प्रति आसक्ति और आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता, मैं कल भी आपको कह रहा था कि मैं 20 सालों से 25 सालों से दर्शन शास्त्र की चर्चा को आप लोगों के बीच में रखता आ रहा हूं, लेकिन मुझे तो ज्ञान नहीं हुआ, मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम वास्तविक ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पा रहे। वास्तविक ज्ञान कब होगा, जब हम ये मान के चले जब हमारे आचरण में प्रत्येक क्षण ऐसी अभिव्यक्ति दिखाई दे, ऐसी क्रियाएं दिखाई दे कि हम शरीर के प्रति हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारा राग ये समाप्त हो गया है और हम आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं और हम ये जानने कि संसार की कोई भी वस्तु, भौतिक वस्तु हमें आकर्षित नहीं कर सकती, ना मैं, ना स्मी, ना हम, ये तीन चार प्रकार के भाव संसार की वस्तुओं के प्रति आ जाए, ना मैं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका वास्तविक कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं हूं, इस तरह का भाव आ जाए। लेकिन अपन जानते हैं दैनंदिन जीवन में, प्रत्येक दिन के जीवन में हम जो है संसार की भौतिक वस्तुओं के ऊपर अपना आधिपत्य जमाते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं, ये मेरा है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, और हम अधिक से अधिक संपत्ति जुटाने का प्रयास करते हैं, जानते हुए भी कि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। हर ये बात समझ में, चलिए तो समस्या क्या है, यहां पर समस्या ये है कि विवेक ज्ञान का मार्ग वास्तव में बहुत कठिन है। ज्ञान, वास्तविक अर्थों में ज्ञान प्राप्त होना एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, आसान नहीं है, असंभव नामुमकिन तो नहीं है पर बहुत कठिन है। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कुछ दार्शनिकों ने सांख्य द्वारा प्रतिपादित विवेक ज्ञान के मार्ग की आलोचना की। क्या कहा कि सांख्य ने जो मार्ग दिया विवेक ज्ञान का मार्ग, वो इतना कठिन है जैसे समझ लीजिए हिमालय चढ़ने के समान। तो उनका कहना यह है कि जो तीन प्रकार के दुख सांख्य दर्शन जिक्र कर रहा है, जब उन दुखों का हल, उन दुखों का समाधान, उन दुखों से छुटकारा हम साधारण और लौकिक उपायों से या फिर वैदिक उपायों से, लौकिक उपायों से प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हमें सांख्य द्वारा प्रतिपादित ये कठोर मार्ग अपनाने की आवश्यकता क्यों है, ये प्रश्न यहां पर है। तो इसको यूं कहा गया, उन्होंने जो आलोचक है उन्होंने यूं कहा है कि जब मधु, मधु मतलब यहां पर शहद से है, कि जब शहद हमारे घर के कोने में ही उपलब्ध है तो उसको प्राप्त करने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ या किसी ऊंचे वृक्ष पर क्यों चढ़ा जाए, मतलब कठिन सरल साधन उपलब्ध होने के बावजूद कठिन मार्ग क्यों अपनाया जाए। तो हम सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो तीन प्रकार के दुख हैं उन दुखों में सरल मार्ग क्या दिया है जिनसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। तो सर्वप्रथम लौकिक उपाय, तो लौकिक उपायों में जो प्रथम प्रकार का दुख है जिसको हमने कहा आध्यात्मिक दुख,
और इसको क्या कहा था हमने, आध्यात्मिक दुख का मतलब क्या था, शारीरिक और मानसिक संतुलन में होने वाली गड़बड़ी। जितनी भी प्रकार के शारीरिक दुख हैं और मानसिक दुख हैं वो आध्यात्मिक दुख में आते हैं, और इसका कारण हमने बताया था वात पित्त और कफ के असंतुलन से और मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति न होने से ये दुख उत्पन्न होते हैं। तो जो सरल उपायों के समर्थक है उनका कहना यह है कि पहला जो शारीरिक दुख है जो वात पित्त कफ के असंतुलन से उत्पन्न होता है, चिकित्सक की सलाह और औषधि के प्रयोग से, चिकित्सक की सलाह और औषधि के प्रयोग से हम शारीरिक दुखों से अर्थात रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जानते हैं कि प्रत्येक दिन हमारे बहुत सारे शारीरिक बीमारियां जो होती हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम जो है चिकित्सक के पास जाते हैं। तो ये एक उपाय उन्होंने बताया। और जो मानसिक है कष्ट, उनके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर रहो, निरुपद्रव स्थानों पर रहो, ऐसी जगह रहो, सुंदर स्त्री से शादी करो, और जो व्यवहारिक शिक्षा है उसके उपयोग से हम मानसिक दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। मैं सुंदर स्त्री से मनोज्ञ स्त्री शब्द का प्रयोग किया, मनोवांछित स्त्री, सुंदरता और भौतिक संसाधन जुटाना, और ये सारे उपाय जो है इसके लिए यहाँ पर दिए गए। दूसरा जो है वो है आदि भौतिक दुख, जिसमें कांटा चुभना, आदि सांप का काटना, बिच्छू का डंक मारना, कुत्ते का भौंकना, शेर का दहाड़ना। तो वो कह रहे हैं कि ये चीजें जहां नहीं हो ऐसी जगह रहो। अभी मैंने शब्द का प्रयोग किया था निरुपद्रव स्थान, तो निरुपद्रव स्थान से मतलब है कि जहां कांटे ही नहीं हो, शेर नहीं हो, कुत्ता नहीं हो, ऐसी जगह जाके निवास करना चाहिए जिनसे जो है हमें इस प्रकार के कष्टों को नहीं भोगना पड़ेगा, इस प्रकार के दुख उत्पन्न ही नहीं होंगे। ऐसा सांख्य दर्शन के उन आलोचकों ने कहा जो सरल उपायों के समर्थक है, सांख्य के मार्ग को कठोर मार्ग मानते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा जो था आदि दैविक, जिसमें हमने कहा था बाढ़, भूकंप, अकाल, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ऐसे दुखों को हम शामिल करते हैं। तो उन्होंने इसके लिए कहा मंत्रोच्चारण है, अंगूठी धारण है। अंगूठी धारण है मतलब देखिए आज के जमाने में भी अपन ये चीज देखते हैं कि बहुत सारे प्रकार के होने वाले कष्टों से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के जो अपन नग जो है और पत्थरों के, जिनको नीलम और पन्ना और पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, उनसे संबंधित चांदी और सोने में गढ़ा के उन अंगूठियों को पहनते हैं, ये मानते हुए कि हमारे जीवन में आने वाले कष्टों से इन अंगूठियों को पहनने से छुटकारा मिल जाएगा। और मंत्रों का उच्चारण ऐसा कुछ लोगों ने माना है। तो ये वैदिक उपाय है जिनके अंतर्गत लोगों ने ये कहा, आलोचकों ने ये कहा कि इनके द्वारा जो है हम तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। एक और उपाय जो बताया गया वैदिक उपाय, तो वैदिक उपाय में तो तीनों का एक कॉमन उपाय है और वो है यज्ञ। जो स्वर्ग चाहता है वो यज्ञ करे। और स्वर्ग का मतलब क्या है, सुख ही सुख। स्वर्ग जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो कल्पना करें, स्वर्ग की कल्पना करके बताएं कि स्वर्ग की कल्पना में क्या होता है, 36 प्रकार के मिष्ठान होते हैं, सुंदरियां और परियां नाच रही होती हैं, इंद्र का दरबार सजा होता है, प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार का आनंद होता है, ऐसा मानते हैं। तो जो वैदिक उपायों के समर्थक हैं उनका कहना है कि सभी प्रकार के छुटकारों को से दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो है वो है यज्ञ करना चाहिए। तो ये लौकिक और वैदिक उपाय देके सांख्य की आलोचना करने का प्रयास किया गया। अब प्रश्न ये है कि सांख्य किस प्रकार से इन आलोचनाओं का जवाब देता है। तो सांख्य ने कहा कि ये जो समाधान दिए गए हैं, यद्यपि तात्कालिक रूप से ठीक है, क्षणिक रूप से ठीक है, कुछ समय के लिए इन उपायों को अपना कर हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। पर सांख्य ने जो दो शब्द प्रयोग में लिए थे, आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति, दुखों से हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा चाहिए, वो इनसे नहीं मिलता। कारण क्या है, पहला कारण गिनाया सांख्य ने कि यह दुख जो निवृत्ति के उपाय दिए, सरल और लौकिक उपाय और वैदिक उपाय, वो क्षय युक्त है। क्षय युक्त है का मतलब है कि जैसे आप शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा चाहते हैं, ठीक है, आप गए डॉक्टर के पास, आपने कहा मेरे को ये परेशानी है, डॉक्टर 6, 7, 8, 10, 20, 21 दिन की दवा देगा पर आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये गारंटी डॉक्टर नहीं दे रहा कि पुनः पुनः आप किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे, कोई शारीरिक और मानसिक रोग आपको नहीं होगा। कहने का अर्थ क्या, कहने का अर्थ ये कि सांख्य ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि आपको दुखों से हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा नहीं मिला। ओके, पहली बात तो हुई ये। और दूसरी बात जो है वो ये है कि ये अतिशय युक्त है, जो वैदिक उपाय दिए गए वो अतिशय युक्त है।
अतिशय का मतलब क्या है कि जो स्वर्ग की बात यहाँ पर वेदों के वैदिक उपायों के अंतर्गत की गई कि जिनको स्वर्ग चाहिए वो यज्ञ करे, ठीक है। तो स्वर्ग की बात में हम ध्यान दें तो स्वर्ग में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो एक दृश्य बनता है कल्पना में, उसमें ये लगता है कि एक राजा है इंद्र, कुछ दरबारी है मंत्री संतरी, और कुछ जो है दरबान है, दरबान गेट पे उपस्थित रहने वाले, और कुछ सामान्य पब्लिक भी तो स्वर्ग में होती होगी। तो सांख्य कहता है कि इन सभी के सुखों में भेद है। इंद्र तो सभी प्रकार के स्वर्ग के सुख भोगता है, और उसके मंत्रीगण और जो दरबारी हैं वो उसे कम सुख भोगते हैं, और फिर जो दरबान है वो उससे भी कम, और सामान्य पब्लिक है वो उससे भी कम। तो सांख्य यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि ऐसी स्थिति में जो जो कम दुख सुख सॉरी कम सुख वहां पर भोग रहा है वो अधिक सुख भोगने वाले से चिढ़ेगा। कुछ को कम और कुछ को ज्यादा क्यों? स्वर्ग में रहते हुए भी सुखों में समानता नहीं है, तो सुखों में उपलब्ध होने सुखों में पाई जाने वाली असमानता के आधार पर जो कम सुख प्राप्त कर रहा है वो वहां पर चिंतित होगा, दुखी होगा। तो इसका मतलब है कि वो अतिशय है, कम ज्यादा वाले हैं, तो वो कहाँ जो है वो सुखी हो पाया, दुखों से छुटकारा उसको कहाँ मिला, वो फिर वहां दूसरी तरह से दुखी हो रहा है, ठीक है। और तीसरा उपाय जो तीसरी आलोचना जो सांख्य करता है वो ये है अविशुद्धि युक्त। सांख्य स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि जो यज्ञ की विधियां हैं उसमें कई जगह पर बलि जैसी चीजें भी दी जाती है, तिल तंडुल धन धान्य घी आदि का जो है हवन में डाले जाते हैं। तो सांख्य दर्शन कहता है कि जो बलि जैसी चीजों को यज्ञ में यदि स्वीकार किया जाता है तो वो अपवित्र हो जाते हैं, और अपवित्र साधन के द्वारा कभी भी पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। वहां किसी न किसी प्रकार का दुख उपस्थित रहता ही है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना किसी भी दृष्टि से सुखपूर्वक नहीं माना जा सकता। तो यदि बात कहते हुए सांख्य दर्शन जो है उन लोगों की जो सरल और भौतिक और जो वैदिक उपाय देते हैं, सांख्य के प्रतिपादित विवेक ज्ञान के मार्ग को कठिन मार्ग कहते हैं, उनकी जवाब उनकी उनका उनका एक उत्तर प्रत्युत्तर सांख्य ने यहाँ पर दिया है, और काफी हद तक हम इसको उचित भी पाते हैं। इसलिए सांख्य कहता है कि मेरे द्वारा अर्थात सांख्य द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है जिसमें हम विवेक ज्ञान का मार्ग कहते हैं वो सार्थक है, उचित है, सपार्थक है, ऐसा कुछ वहां पर शब्द का प्रयोग वो प्रथम कारिका के अंतर्गत करता है, यानी अनुचित नहीं है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सांख्य जो है अपनी बात को आगे बढ़ाता है। कल हम इसी चर्चा को और आगे विस्तार देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।